सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सॉकेट स्पैनर के बारे में, जिसे हिंदी में गोटी पाना भी कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम कुछ बेसिक डिटेल्स देखेंगे कि जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं वो किस प्रकार आपके लिए लाभदायक होती हैं। क्यों? क्योंकि गोटी पाना जो है वो कहीं ना कहीं हमें घर में किसी भी मशीनों में या बाइक में, बाइसिकल में, कार के छोटे मोटे नट बोल्ट्स ओपन करने में बहुत सहायता देता है। तो शुरुआत करते हैं हम इसके मटेरियल से। तो सॉकेट स्पैनर का जो मटेरियल होता है वो बेसिकली वो होता है क्रोमियम वेनेडियम एलॉय टूल स्टील, या आप इसे टूल स्टील भी बोल सकते हैं। और ये दूसरा जो मटेरियल है इसका नाम है ड्रॉप फोर्ज स्टील। ये दो प्रकार के या तीन प्रकार के मटेरियल्स में बनाए जाते हैं, जो अधिक स्ट्रेंथ वाले होते हैं, हाई क्वालिटी के स्पेसिफाइड होते हैं, उनका जो मटेरियल होता है वो टूल स्टील होता है। तो टूल स्टील जो होता है वो क्रोमियम वेनेडियम के अलॉय से बनता है, और जो ड्रॉप फोर्ज स्टील होता है वो फोर्जिंग कर करके बनता है। फोर्जिंग ऑपरेशन आपको समझा दूँ बेसिकली, कि मेटल को हीट करके, रेड हॉट करके, उसको एनविल पे या किसी हैवी लोहे पे हैमरिंग करके बनाया जाता है, ठोक ठोक के, पीट पीट के बनाया जाता है, भट्टी में तपा तपा के, उसे फोर्जिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो ये जो स्पैनर्स हैं आपके सॉकेट स्पैनर, इनको इस प्रकार बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो देखते हैं कि स्पैनर में अब स्लॉट जो होते हैं वो दो प्रकार के स्लॉट होते हैं। बड़ी वाली लेते हैं ज़रा, ये इसमें एक तरफ स्क्वायर स्लॉट दिया है, इनसाइड प्रोजेक्शन स्क्वायर शेप में देख सकते हैं आप, वर्गाकार। दूसरी तरफ है हेक्सागोनल प्रोजेक्शन। तो ये हेक्सागोनल प्रोजेक्शन भी अंदर की तरफ है और स्क्वायर प्रोजेक्शन भी अंदर की तरफ है। तो होता ये है कि जो आपका हेक्सागोनल प्रोजेक्शन है ये वाला, ये सिरा जो है ये बोल्ट के हेड पे लगता है, बोल्ट हो या नट हो दोनों के हेड पे लगता है। और आप इसमें फिर फिट करते हैं ये लीवर, इस प्रकार पुश फिटिंग होती है ये, है ना। ये बॉल जो है ये बॉल में स्प्रिंग लगा होता है, ये अंदर चली जाती है पुश फिटिंग के ज़रिए, इस प्रकार ये फिट हो जाती है। ये फिट हो गई, अब आप इसे लीवर को घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो खुलता है, और क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बोल्ट आपका टाइट हो जाता है। ये तरीका होता है इसे यूज़ करने का, इसे आप लीवर कहते हैं। इसे रख देते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखेंगे हम। ये देखिए, ये हेक्सागोनल नट बोल्ट का सेट है हमारे पास 15 नंबर का। 15 नंबर इसमें से हम सॉकेट स्पैनर उठाएंगे, ये मिला 15 नंबर। इसके हेक्सागोनल वाले फेज़ को अब इसके हेड पे लगा के इस प्रकार फिट करते, ये हो गया फिट। उसके बाद इसमें लीवर लगा के ये आप इसे ईजीली लूज़ कर सकते हैं या टाइट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप इस प्रकार। घड़ी की दिशा में घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो टाइट होगा ये, और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये लूज़ होगा। ये रख दिया इसे। तो ये छोटे छोटे हल्के कामों के लिए आप छोटा लीवर यूज़ कर सकते हैं, ये छोटा लीवर। अब बताते हैं बड़े कामों के लिए। बड़े कामों के लिए आप इस लंबे वाले हेड को एक्सटेंशन हेड बोलते हैं, एक्सटेंशन बार रही है, ये बढ़ाने का काम करता है, आपके जो भी लीवर है उसकी हाइट को बढ़ा देता है, देख सकते हैं कितना लंबा है। इसके बाद बात करेंगे रैचेट की। कई बार क्या होता है, हम ये जो सॉकेट्स हैं इन सॉकेट्स को फोर्स लगा के खोल नहीं पाते हैं, तो उसमें रैचेट जो है वो बहुत जल्दी काम आता है। ये रैचेट जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में काम करता है। इसमें भी पुश फिटिंग के द्वारा स्क्वायर की होती है, आप इसे फिट कर दीजिए ऐसे, ये फिट हो गया। फिट करने के बाद ये एक तरफ ओपन करता है, दूसरी तरफ रिवर्स आता है, ये वन साइड मूवमेंट इसे कहते हैं। ये चट चट की आवाज़ जो आ रही है वन साइड मूवमेंट देता है ये। ये ओपन करने के लिए है, जब ये साइलेंटली मूव हो रहा है इस प्रकार तो टॉर्क अप्लाई हो रहा है आपके हाथों का, और जब रिटर्न आ रहा है चट चट बोलते हुए तो ये फ्रीली आ रहा है। नीचे का जो ये सॉकेट है ये नहीं घूमेगा, देख सकते हैं आप। अब घूमा फिर अब नहीं घूमा, ये ओपन करने के लिए। और जब टाइट कर रहे हैं आप इसे तो इसको आप घुमा सकते हैं, घुमा के सेट कर दिया आपने तो ये अब रिवर्स ऐसे जाएगा, और जब वापस आएगा तो इस प्रकार वापस आएगा, ये ऐसे टाइट करने के लिए। तो ये रैचेट पाना है। मेरे पास जो भी टूल रखे हुए हैं ये लोकल टूल्स हैं, सस्ते वाले, लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ आपको कि आप जब
कोई भी सॉकेट स्पैनर का सेट लेते हैं, चाहे छोटा लें चाहे बड़ा लें, दो प्रकार के सेट आते हैं इसके। एक आता है 5 mm से 15 mm तक का, ये जो सॉकेट होते हैं ये 5 mm से 15 mm तक के साइज़ में आते हैं। ये जो सेट है ये 8 mm से स्टार्ट है, ये देखिए 8 mm से स्टार्ट है ये, और ये गया है मैक्सिमम कहाँ किस साइज़ तक के, 32 mm तक के, ये 32 mm है ना, 32 mm का मैक्सिमम साइज़ है इसका सॉकेट स्पैनर सेट का। तो आप इस प्रकार के सॉकेट स्पैनर सेट टापरिया, बॉश या कोई अच्छे से ब्रांड के लें जिनमें स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो, है ना। लोकल के आप चक्कर में फंसेंगे तो इनके जो कॉर्नर होते हैं हेक्सागन के, ये अंदर से घिसने लगते हैं, है ना, यूज़ कर करके घिसने लगते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि मटेरियल जो है लोकल है, रद्दी क्वालिटी का मेटल है। जब पैसा लगा रहे हैं तो हम क्वालिटी जो है उससे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रहे कि आप टूल्स खरीदने जाते हैं तो अच्छी क्वालिटी के टूल्स लें, एक बार इन्वेस्टमेंट होता है, लाइफ टाइम काम आता है। अब एक ख़ास बात और इसमें देखिए, ये जो बॉक्स स्पैनर है सॉकेट 21 mm का है, 21 mm का मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये 21 mm का, ये दोनों 21 mm के देख सकते हैं आप। खासियत क्या है, इसका शैंक बड़ा है, इसका शैंक छोटा है। अब बात करते हैं उपयोग क्यों होता है, तो भैया ये उपयोग इसलिए होता है क्योंकि स्पार्क प्लग जैसी चीज़ जो होती है उसका हेड ज़्यादा होता है और नीचे जो लगा होता है बोल्ट उसमें बीचों बीच में वो यहाँ फंसता है। तो पूरे के पूरे स्पार्क प्लग को कवर करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ये वाला तो स्पार्क प्लग के बीच तक के शैंक तक के पहुँच ही नहीं पाएगा, ऊपर ही अटक जाएगा ये, इसलिए हम लंबे वाले शैंक के सॉकेट को यूज़ करते हैं, ये स्पेशल दिया गया है इसमें। अब बात करते हैं इसे, तो इसे टॉमी बार कहते हैं। ये टॉमी बार जो है वो कब काम आती है, जब आपको फोर्स ज़्यादा लगाना हो और जल्दी काम करना हो, इसे ऐसा फंसा के आप ऐसे खोलते हैं। इसमें जो हैंडल दिया गया है ये नर्लिंग किया हुआ है ताकि तेल भरे हाथ से आपके तेल भरे हैंडल पे आपके हाथ जो है वो स्लिप ना हो। हैंडल में कई बार तेल ग्रीस लग जाता है जब हम काम कर रहे होते हैं, मेंटेनेंस कर रहे होते हैं किसी मशीन का, तो ये जनरली नर्लिंग किया हुआ जो हैंडल है ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो जो आप देख के ये सीख सकते हैं कि किस टाइप का हमें बॉक्स स्पैनर सेट लेना चाहिए। मैं बेसिक टूल्स की अपडेट आपको देता रहता हूँ, तो ध्यान रहे कि लोकल के चक्कर में ना फंसे, है ना। 800-1000 रुपये का लोकल वाला आता है सेट, और बड़ा लेंगे तो आप 1500 से 2000-2500 के बीच में आ जाएगा टापरिया का, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ ना करें। टापरिया, बॉश और जो अच्छे ब्रांड्स हैं इम्पोर्टेड ब्रांड्स, उनके टूल्स अच्छे होते हैं और आपको रिजल्ट भी अच्छे देते हैं, जनरली टूटते नहीं हैं, क्रैक नहीं आता है। लोकल की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, उसमें वेयर एंड टीयर घिसावट जल्दी होती है, जल्दी घिस जाते हैं, डेली पर्पज़ से आप यूज़ उनका नहीं कर सकते। घर के लिए ले रहे हैं या कमर्शियल के लिए ले रहे हैं, क्वालिटी अच्छी हो तो टूल्स जो हैं वो पैसा वसूल कर देते हैं आपका। तो मेरा पर्पस यही था वीडियो बनाने का कि आपको बेसिक टूल्स के बारे में जानकारी दे दूँ मैं, लोकल के चक्कर में ना फंसें, टूल्स जो है अच्छी क्वालिटी के लें। इसका मटेरियल मैंने बता ही दिया है आपको, एक बार फिर बताता हूँ, टूल स्टील है ना और फोर्ज स्टील के बनते हैं ये। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप अपने प्रश्नों के जवाब पूछ सकते हैं, है ना, और जानकारी शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।